हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लिया इलेक्ट्रिक में। दोस्तों देखिए, ये किलोस्कर कंपनी की किलोस्कर क्रिस्टल नाम से ये मोटर आती है, टुलू पंप है। इसमें मैं आपको आज इसका बाइंडिंग डाटा और इसमें क्या हुआ था, गड़बड़ी क्या खराबी हुआ था, मैं साथ ही साथ उसको भी बताने वाला हूँ। तो पहले खराबी की बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, देहात इलाका है तो वोल्टेज कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे करके आता है। तो वोल्टेज ज़्यादा कम होने की वजह से देखिए मोटर इतनी गर्म हुई है, देख सकते हैं वायर पीवीसी में मतलब कि एकदम चिपक गया और पीवीसी जैसे टहक जाता है ना, टहकने जैसे हो गया है। और देखिए वायर मैं इसको हाथ से निकाल लिया हूँ, वायर भी कहीं जला नहीं है, केवल ओवर हीट होने की वजह से पीवीसी इसका गल के चिपक गया है। और चिपकने के बाद देखिए धागा भी सब मतलब इतना हीट हुई है, धागा भी जल गया है। तो होता क्या है देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका रहता है 230 वोल्ट, और 230 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज है, लेकिन हाँ अब कंपनी में दिया है मिनिमम वोल्टेज कितना चाहिए मोटर को, तो देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है, मिनिमम 180 होना चाहिए, मैक्सिमम 240 वोल्ट होना चाहिए। देहात है, कभी 180 से भी कम वोल्टेज हो जाते हैं यहाँ पर, तो मोटर कम वोल्टेज पर भी चलती है तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और देखिए 240 वोल्ट से भी ज़्यादा यहाँ वोल्टेज आता है, कभी कभी आ जाता है, तब भी यही कंडीशन होता है, मोटर गर्म होती है, पीवीसी टहकेगा, मोटर जलेगी फूकेगी, यही सब होता है। तो ये देखिए मैं इसका वायर निकाला, डाटा बिल्कुल सही है। और बात करें स्टार्टिंग का भी डाटा, रनिंग का भी डाटा दोनों सही है, एकदम परफेक्ट मतलब तार सही पड़ा है इसमें मोटर में। अब मैं इसका डाटा आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मोटर का वाट है 750 वाट, किलोस्कर क्रिस्टल टुलू पंप है। एचपी की बात करें तो एक एचपी 202 पॉइंट है, और स्लॉट 24 स्लॉट की मोटर है। एसी इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट, एम्पियर लेती है 4.5 एम्पियर है इसका। कैपेसिटर इसमें लगता है 12.5 एमएफडी का। और इनर डाया की बात करें तो इनर डाया इसका देखिए, अंदर इनर डाया होता है, अंदर तो इनर डाया है 5 सेंटीमीटर 4 mm, आउटर यहाँ से यहाँ तक आउटर है इसका 10 सेंटीमीटर 4 mm। और स्टेटर पिच की लंबाई जो ये पीवीसी अपना डालते हैं उसकी लंबाई अपना 5 सेंटीमीटर है। और रनिंग कॉइल पिच की बात करें तो इसमें रनिंग कॉइल पिच अपना रहता है 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, 4 सेट रहता है रनिंग कॉइल। और वायर साइज की बात करें तो रनिंग वायर साइज कंपनी का आता है इसमें 23 नंबर इस मोटर में 23 नंबर सब में रहता है, कांपर में ये मोटर होती है 23 नंबर SWG। और स्टार्टिंग कॉइल की पिच की बात करें तो 1 से 10 रहता है 2 के सेट में, 1 से 12 रहता है, 1 से 10, 1 से 12 2 के सेट में। वायर साइज की बात करें तो इसका कंपनी वायर साइज देती है 27 नंबर देती है। और टर्नों की बात करें तो टर्न इसमें अपना रनिंग कॉइल पिच का टर्न रहता है कंपनी का, देखिए कंपनी का रहता है 61 टर्न, सब में समान टर्न रहेगा, 61 टर्न 61 टर्न, और इसमें भी 61 टर्न मतलब 6, 8, 10, 12 सब में जितनी भी कॉइल है आप 4 सेट के बनाएंगे सब में 61 टर्न कंपनी का रहता है 23 नंबर वायर से। और स्टार्टिंग की बात करें तो दोस्तों देखिए 1 से 10, 1 से 12 तो इसमें टर्ने रहता है 138, दोनों में सेम बराबर रहता है 138 138। वायर साइज अपना 27 नंबर रहता है। और वज़न की बात, सबसे ज़रूरी है वज़न, आपको जानकारी नहीं होगी तो वज़न, आप अगर मार्केट से तार लाने जाते हैं तो वज़न ही नहीं पता रहेगा तो आप मोटर का तार ला नहीं सकते हैं, कैसे रिवाइंड करेंगे, या तो आप ज़्यादा ही ले लेंगे या तो कम ले लेंगे। तो मैं आज इसका वायर का वज़न भी साथ साथ बता देता हूँ, तो रनिंग में अपना लगता है 430 ग्राम, और स्टार्टिंग में अपना लगता है 230 ग्राम। ये दोनों साइज आप इतना इतना ग्राम लेते हैं तो आपको तार मतलब कम नहीं पड़ेगा, अब आप लेना है तो थोड़ा 10-20 ग्राम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए इसमें क्या हुआ था, बस वही प्रॉब्लम था, मोटर कम वोल्टेज पर चली थी, कम वोल्टेज पर चलने की वजह से ये गर्म हुई थी। बाकी आपको मैं इसमें वीडियो में बता दिया हूँ इसका डाटा सारा कुछ,
तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। और देखिए वीडियो दोस्तों, देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों। और चलिए दोस्तों, फिर आगे किसी अगले दिन मतलब अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।